ट्रेन की आवाज, अच्छी बात है। अच्छा दिनेश भैया, हम ये चाहब कि नागिन पिक्चर का जोन गाना हो तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, वही गाना के आप जोन हो सुर में गुनगुनाई बता देते तो मजा आई जात। मैं म्यूजिक गाऊंगा, मैं बोल दूंगा, लेकिन गाना मुझे नहीं लगता दीजिए का नहीं है। अरे भैया तू म्यूजिक क्या कह दे, उतना बड़ी बहुत बड़ी बात हो। तेरे संग प्यार में, हाँ अच्छा, जैसे जो म्यूजिक दोनों सफोक आवाज मार दे है, इमें सार दे है, और नाना पाटिकर का आवाज दा मजेदार एकदम मस्त हो जा, लवंडा अनुकूल खड़ा उन्होंने मजे में भरपूर मस्ती में अथुआ हो जा, दे 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 जल्दी दे चाप के दे। अच्छी बात है, अच्छी बात, मैंने कहा था कि तुम लोग ग्राउंड में नहीं आना खेलने के लिए, मेरे बाप का जगह है, इस तरह से बोलते। सुनील शेट्टी, अंजलि अंजलि, मैं बात तुमसे बात प्यार करता हूँ अंजलि, अंजलि तुम मेरी हो तो मेरी नहीं हो सकती अंजलि, क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते हो अंजलि। वाह भाई वाह। अमिताभ बच्चन, और ठहरे ठहरे देखा भाई साहब, यहाँ पे लोग सभी लोग आए मेरी आवाज़ सुनने के लिए आए, और काफ़ी मजा आल जो ना दिनेश भैया आपसे मिल करके, और कुछ नया कहे मतलब हमारे ये कि और कुछ नया जोन आप जल्दी में तैयार करे हुए, कुछ होके थोड़ा सा रखा का प्रयास करें, जैसे कि मैं आवाज़ निकालना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग बीच में कुछ आवाज़ निकालना चाहता हूँ, जैसे कि कहीं भी अगर मान लीजिए कि कोई अगर मुंबई की बात बताना चाहता हूँ आप लोग को, कि जैसे कि कोई अगर औरत को अगर प्रेगनेंट हो गई है तो उसको मतलब डिलीवरी करने के पड़े तो लोग बोलते हैं फोन लगाते हैं तो भाई एम्बुलेंस लेके मुझे ही आना पड़ता है, तो मैं घंटी जा रही हूँ, घंटी की आवाज़ निकालना चाहता हूँ, इस तरह से घंटी जाती है, अब एम्बुलेंस आती है, किस तरह से उसकी आवाज़ निकालना चाहता हूँ, और दर्ज आपके यह चीज है। वाह भाई वाह, इतना सरवा कवा लगा था, अगर मने ही उधर मुंह घुमा ले तो बता ना सकत कि एम्बुलेंस हो कि मुंह बोला था, बाकी बहुत बढ़िया टैलेंट है भैया, और भैया के मतलब डिस्क्रिप्शन में आपके चैनल भैया के चैनल का लिंक मिल जाएगी, और आवाज़ निकलूंगा, और निकाला चाप, हाँ ये था एम्बुलेंस की आवाज़, और कहीं भी मान लीजिए कि शाहरुख खान के बंगले में कोई आग भी लग जाएगा तो देखो फायर ब्रिगेड आती है, और कुछ, हाँ ट्रेन की आवाज़, ट्रेन किससे चलती है उसका इंजन, पहले आवाज़ निकाले ट्रेन के बाद ना, बिल्कुल निकाला, और उसके जो पीछे के जो बोगी होती है वो आती है, रुकने के साथ हवा खुली है, हाँ खुल गया। बढ़िया, कहा बताई कौन हवा खुली है भैया जान सकल, और बाकी बड़ा मजा आल, और हम चाहब एक ऐसा ट्रैक्टर होला जोन एक सिलेंडर का होला, थोड़ा ओकर फटफटाई दे देता मजा आई जाए, देखिए जब 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 आते हैं जब कहीं जमीन में फंस जाते हैं ना तो उसकी आवाज़ आते हैं, देखिए इस तरह से आते हैं लगा, अच्छा या जैसे भी आवाज़ है इशारा, इस तरह से जैसे भी हो ये जी, और कुछ बहुत से आवाज बोलो। अरे भैया बोला चाप कि हम तो यह चाप कि इतना सरिया है तो गिने वाले गिनना जाए पगलाई जाए, मुर्गी की आवाज़,
मुर्गी आवाज निकालना चाहता हूँ, जिससे मुर्गी जब दरवाजे से निकलती है तो आवाज निकलती है धीरे से। ये देखा मुर्गा का स्टाइल बताया ना भैया चाप के, और बड़ा गजब बताया ना। कुकुर को बताई कुकुर ऐसे कुकुर कुकुर ऐसे बोलते हैं जब कुतिया का सर कुकुर बोलते कुकुर अरे भाई मान ला जैसे हम एक कहते मान ला एक लेडीज और चार थे जेंसन कुत्ता में, तब वहाँ का माहौल रही थी ओकर आवाज बता में। हाँ एक कुत्ता बोलेगा रुक जाओ मेरा नंबर है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मेरा नंबर, तो बोला तो तू जा तो हो जाएगा। कुकरिया बोलेगा जैसे जैसे वो काम करना चालू हुआ, अगर मान लो थाना में ऐसा लग गया संबंधित हो गया ना, तो आप देखिए जो कुत्ता बगल वाला बोला भाई साले मेरा नंबर था तो क्यों चला गया, तो वो अमिताभ बच्चन की आवाज में बोला ए भाई साहब ये मेरा नाम ये मेरा नंबर था क्यों आप लोग चले गए, तो बगल वाला बोलता है गुलसा गुलबर अरे चला हां साला तू भी उसी में काम कर रहा है। अब उसी के ऊपर लोग चढ़े यही तो भैया रहे ना मेरे दिनेश भैया बता नहीं कितना चांपा था दही के हम तो पगला गया। बताइए जब मजा आ गया तो मजा कर रहा हूँ, जैसे भैया कि गांव और शहर की जो लड़कियां होती हैं जब विदा होती हैं तो ये देखिए ये मेरे पास एक रुमाल है ये देखिए रुमाल है ये देखिए, मतलब कि जब गांव की जो लड़कियां जब विदा होती हैं तो इतना उनका घूंघट मतलब पांच पांच हाथ इतना एक हाथ नीचे हाँ हाँ नीचे लटका ले रहा हूँ आज जैसे हाँ जब विदा होती है तो उनकी रोने की आवाज़ देखिए किस तरह होती है गांव की लड़कियां किस तरह होती है ये होते गांव की जो लड़कियां जो रोती हैं, अगर मान लीजिए कि अगर इस शहर की लड़कियां अगर रोती तो किस तरह रोती देखिए ये देखिए ये इनका ये इतना पे हाँ इतना पे इतना मान लीजिए फैशनेबल रह ली सारी है आगे से चलते देखो रोनी किस ये भैया देखा ये ऐसा ऐसा टर्निंग पॉइंट से चांपा थन कहा बताई और एक आखे कुछ ऐसा तरकता भरकता देता है यही तरह के मजा आई जाता मजा तो वैसे भी बहुत आई है। हाँ भैया आप बोले ना आप बोली कौन चीज का अच्छा अच्छा मान ल दू एक बुढ़िया के पतो झगड़ा कर थी तो कैसन रही कौन मतलब गाँव के तो थोड़ा ज्यादा भैया कुल का पतो झगड़ा हम झगड़ा ना करवा भैया अरे अपने आप में एक बार बता रहा हूँ ना मैं मुंबई से आया था तो भैया का नाम से कि हम छत्ते पे सोए रहे नीचे मड़ई था उसके नीचे हमारे बाबा जी सोए थे हम जैसे कीड़ा जो होते ना धामिन वो उस मेढक को पकड़ ली रात को। हाँ अब देखिए भैया क्या हुआ जैसे हम मेघे की आवाज़ में हम बात किए और वैसे हमारे बाबा उठ के मतलब गौजी डंडा तैयार हो गए मारने के लिए। अब देखो मैं उस जैसे जब सांप जब पकड़ता है जब मेढक को उसकी आवाज़ इस तरह से और मैं आप लोगों के बीच में आवाज निकालना चाहता हूँ जैसे बीन बजते हैं बीन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चांपा हम्मा तो जनाला ना तो हम कथो के जरूरत ना बीनी की जरूरत ना कथो के मदवा हम डर लगा तो कौनो नागिन फागिन आई काट न ले यही जंगल। अब हम एक चीज का आवाज निकाल जाती ना लड़की हो गई का अब कुत्ते के देखो इशारा देखो
हाँ देखिए भैया, अब हम जैसे कि हम बच्चे की जैसे रोएंगे और कुत्ता हमारी इधर जिसका देखेगा पिछवाड़ा दिखा रहा है नहीं ठीक हो तो का हो अब तो ओपिनियन ले ली का हो तुम्हारा सबके कैसा लगल बढ़िया लगल मजेदार बोले कि ना बोले देखा झूठ मत बोला भाई नहीं तो ऑडियंस पता होगा कहीं है अपने गांव वालन के मर्दवा जो ना भाई हाँकत हन नहीं सही बात हो ना कला हो ना भैया के अंदर बोला मैं एरोप्लेन की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे भैया लोग क्रिकेटर्स वाले हैं लोग अगर मान लीजिए इनको अगर मुंबई बुलाना जा रहे हैं तो देखिए भैया देहाती हम लोग देहात के लड़के हम लोग हैं तो देखिए एरोप्लेन जब खड़ी रहती है इस फील्ड में तो उसकी उड़ने का जो आवाज़ जब नीचे जब चलती है तो उसकी आवाज़ किस तरह आती है फिर उसके बाद जब जब बादलों में जब जाती है उसकी आवाज़ किस तरह आती है फिर उसके बाद जब मुंबई जब जाके उतरती है तो उसकी आवाज़ जब होती है लैंड करती है नीचे बिल्कुल चांप चांप के दर तो देखिए किस तरह से आवाज़ आती है देखिए इस तरह से जाती है और उसके जब लैंड होती है नीचे उसकी आवाज आती है इस तरह से बहुत यार गजब आपके अंदर का कूट के भगवान कलाकारी भरे नहीं सीखे है कि मतलब ऐसे ही नहीं भैया सीखे हैं हम बहुत सीखे है समय दे बहुत दिया है इसके लिए आवाज और आ? गधा हाँ गधा भैया बोलो किसी बोलो बोलो उनसे बोलो किससे गधा के गधा की आवाज ना यही आवाज और कुछ डिमांड नहीं और कुछ डिमांड हाँ भैया हमारा डिमांड है वो बोला चाप के घोड़े का आवाज हाँ देखा घोड़ा किससे चलता है ना गजब तो भैया बहुत बढ़िया लगल दिनेश भैया से मिलके आप लोगन के ये चैनल में जो ना भैया के चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए आप उन्हों सपोर्ट करें अपने ये चैनल के भी सपोर्ट करें INDI मीडिया नेटवर्क के भी सपोर्ट करें और तब तक के लिए बम बम बोले काशी बोले जय बनारस जय जौनपुर जय उत्तर प्रदेश जय हिंद।